हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो माई नेम इज दीपा एंड आई मेक वीडियोज ऑन क्लोथिंग, ब्यूटी, एक्सेसरी एंड लाइफस्टाइल इन जनरल। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की जो वीडियो है वो है के ब्यूटी के बारे में। के ब्यूटी कैटरीना का ब्रांड है अगर आपको नहीं पता है तो, और मैंने के ब्यूटी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। सो वो सारे मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करता हूँ। मेरा जब मैंने के ब्यूटी के प्रोडक्ट स्टार्ट किए थे, लाइक मैंने जब परचेज करना स्टार्ट किया था, तो मेरा एक माइंड सेट था कि ओके ये क्या है, बस प्राइस हाई होगा बट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बाकी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनके खुद के ब्रांड है, लाइक रियाना का है, सेलिना गोमेज का है, फेंटी ब्यूटी, रेयर ब्यूटी, सो उनका भी क्या था, प्राइस बहुत हाई था। तो मुझे ऐसा लगा कि सेलिब्रिटीज जब अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं तो उनका प्राइस हाई रखते हैं बट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बट आई एम सरप्राइज, लिटरली सरप्राइज, जब मैंने के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स यूज किए। सो ओके, विदाउट एनी फर्दर यू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोडक्ट। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस के ब्यूटी फाउंडेशन। ओके, सो सबसे पहले मैं इसकी पैकेजिंग की बात करती हूँ। जितने भी प्रोडक्ट है सब में क्वेश्चन आता है ताकि प्रोडक्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। प्लस इस द बेस्ट पार्ट इज इसमें सब में एवोकाडो और मैंगो बटर है, क्योंकि वो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करके रखते हैं। बहुत सारे मेकअप हैं जो हमारी स्किन को ड्राई आउट करते हैं, बट दिस इज द प्लस पॉइंट विद के ब्यूटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फाउंडेशन। ये जो टोन है ये है 110NN न्यूट्रल, और मेरे लाइट शेड से मैंने लाइट लिया है। इसमें तीन आपको टोन मिल जाएंगे, लाइक न्यूट्रल, पिंकिश और येलो टोन। तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। के ब्यूटी की अपनी वेबसाइट नहीं है, सारे प्रोडक्ट्स आपको नायका पे मिलेंगे, और नायका पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि लाइक ये होता है ना, अंडर टोन में आपको कौन सा लेना चाहिए। तो आपको इजीली गाइड मिल जाएगा कि आपको कौन सा शेड आप पे सूट करने वाले हैं। ओके, सो एज यू नो कि आज के टाइम पे लोग जो है वो नेचुरल लुक की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, सो फॉर दैट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है, आपको स्किन लाइक फिनिश देता है। और लाइक मैंने बहुत बार, मतलब बहुत तो नहीं, तीन चार बार यूज किया है। अभी लास्ट में अपने फ्रेंड के साथ गई थी तब भी मैंने यही यूज किया था, मैंने राखी पे भी यही यूज किया था, क्योंकि हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेट है। सो दैट्स आई रियली लाइक दिस फाउंडेशन। प्राइस है वो 1200 है, थोड़ा सा प्राइसी है, बट आपको नायका पे हमेशा 15-20% ऑफ पे मिलेगा। और अगर आप बजट में हो तो उनकी सेल का वेट कर सकते हो, आपको 800-900 में इजीली मिल जाएगा। एंड आई फील लाइक आपको क्वालिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, सो येस यू कैन गो विद दिस फाउंडेशन। एंड वन थिंग मोर, इसमें 20 शेड्स अवेलेबल है, लाइक इतने सारे शेड्स भी नहीं है, बट आई थिंक 20 शेड्स इनफ है, आप जिसमें से चूज कर सकते हो, आपका स्किन टोन उसमें लाई कर जाएगा कहीं ना कहीं। सो या, दिस इज द फर्स्ट वन। वन थिंग मोर, ये जो है ये शीयर से मीडियम कवरेज देता है, ये हाई कवरेज नहीं देता है। सो अगर आप हो जिनको मतलब हाई कवरेज फाउंडेशन चाहिए तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और मैं रेगुलर बेसिस पर मेकअप यूज करती हूँ, सो मेरे को थोड़ा सा लाइट ही चाहिए, लाइक बहुत ज्यादा है हाई कवरेज नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं ये यूज करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। इट्स लाइक ये बीबी क्रीम की तरह भी वर्क करता है। सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस ब्लश, ये के ब्यूटी का ब्लश है। मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत लग्जूरियस सी लगती है, एंड मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है वो ये, जो मुझे पीछे इन्होंने ये शेड दिया हुआ है यही ब्लश का भी शेड है, तो इन्होंने कलर कोऑर्डिनेट किया हुआ है। एंड ये जो शेड है ये थोड़ा उन्हें न्यूड शेड है, ये इसका शेड का नाम है सॉफ्ट न्यूड, और इसका जो प्राइस है वो 699, बट नायका पे आपको ऑफ पे मिल जाएगा 15-20%, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो फिर से इसमें मैंगो बटर एवोकाडो है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है। इसमें तीन शेड्स आते हैं, लाइक एक पिंकिश में आएगा, तीन टोन आते हैं, एक पिंकिश में होगा, एक ये न्यूड है, और एक थोड़ा सा कोरल टोन में है। तो आपको जो भी सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो न्यूड टोन में आता है, इसकी इसमें बहुत पिगमेंटेशन, लाइक पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, इसका जो टेक्स्चर है मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। और इसमें बस एक छोटा सा ड्रॉबैक है, वो ये कि एक किकबैक देते हैं, लाइक हल्का हल्का सा फॉल आउट होता है, बट रेस्ट यू कैन गो फॉर दिस ब्लश। तो मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट है। सो ओके, सो नेक्स्ट इज दिस लूज पाउडर। ये लाइक इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद आई थी। इसका जो शेड है वो एलमंड है, और इसका जो प्राइस है वो 799 है, आपको ऑफ में मिल जाएगा। और इसमें शेड्स आपको 8 मिलते हैं, 8 अवेलेबल होते हैं। ये फाइनली मेड है, एंड द बेस्ट पार्ट इज इसके अंदर जो पैकेजिंग की वजह से आपका जो पाउडर है वो वेस्ट नहीं होता ज़्यादा, अच्छे से यू कैन टेक एंड यूज इट। तो लाइक इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है। मैंने तो इससे पहले कहता मैं मेबेलिन का मुझे लूज पाउडर अच्छा लगता था, बट जब से मैंने के ब्यूटी का यूज़ किया है तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये हुडा ब्यूटी का ड्यूस है, तो अगर आप इतने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते लूज पाउडर में तो आप ये यूज़ कर सकते हो। दिस इज रियली गुड, ये कोई फ्लैशबैक नहीं देता, लाइट वेट फॉर्मूला है, और अगेन एवोकाडो और मैंगो बटर है। सो
आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। दिस के ब्यूटी लिप क्रियॉन, तो इसका जो शेड है वो थोड़ा सा न्यूड शेड है, 699 का इसका प्राइस है। इसकी पैकेजिंग अभी मुझे बहुत अच्छी लगी, थोड़ी प्लास्टिक पैकेजिंग है। ये बहुत लाइट वेट है, लाइक आपके लिप्स को ड्राई आउट नहीं करता है। और इसका फॉर्मूला जो है वो हाइड्रेटिंग है, और इसका जो स्टेइंग पावर है वो 5 to 6 hours है, अगर आप कुछ भी ऑयली नहीं खाते हो तो। लेट मी शो यू द शेड। इट्स अ परफेक्ट एवरीडे न्यूड शेड। सो नेक्स्ट इज दिस कोल पेंसिल, इसका शेड है 24 spade, इसका प्राइस है 250 rupees। ऑल्दो आई एम नॉट अ काजल पर्सन, लाइक मैं काजल नहीं लगाती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे को अच्छा नहीं लगता है मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता है दैट्स आई। बट ये ऑफर में था लाइक 250 में टू, दैट्स आई गॉट दिस वन। इट्स वेरी ब्लैक एंड वेरी इंटेंस, ये स्मज भी नहीं करती है एंड इट स्टेज फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, प्रोबेबली 6 to 7 hours। सो येस यू कैन ट्राई दिस वन। This is contour and highlight glow palette. So ये जो है लाइक इसकी मार्केटिंग इतनी नहीं हुई, लाइक K-beauty ने बाकी प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छे से मार्केटिंग की है, बट आई डोंट नो इसकी क्यों नहीं थी इतनी अच्छे से मार्केटिंग। मे भी हो सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही शेड अवेलेबल है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू द पैकेजिंग, यू कैन सी गोल्ड रोज गोल्ड पे वो पैकेजिंग लग्जूरियस है, सो आई रियली लाइक द पैकेजिंग। इसमें तीन शेड्स हैं, लाइक दिस इज कूल टोन, दिस इज वॉर्म टोन, और ये उन्होंने बोलता कि हाइलाइटर है बट इसमें हाइलाइटर नहीं है, तो ये एज अ पाउडर आप यूज कर सकते हो, दैट्स इट। सो जो है ये लाइट टू मीडियम स्किन टोन के लोगों के लिए है, और अगर आपका डार्क स्किन टोन है तो मे बी आपको सूट ना करे, बट यू कैन ट्राई ओके। सो इसका जो प्राइस है वो 1099 है, बट आपको 900 या 950 तक मिल जाएगा। सो लाइक मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे नहीं पता इतनी मार्केटिंग क्यों नहीं है, लोगों को इसके बारे में इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है, बट लाइक मुझे ये बहुत अच्छा लगा। दिस इज ऑल इन वन पैलेट, इसमें कॉन्टोर भी है, ब्रॉन्जर भी है, सो यू कैन ट्राई दिस वन। आई शो यू, इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ है, पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, और ये लंबे टाइम तक रहता भी है, सो दैट्स व्हाई। और मैंने ये यूज किया है, सो आई रियली लाइक दिस पैलेट, और आप भी ट्राई कर सकते हो एंड यू कैन ट्राई दिस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सो आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। और अगर मैं KBB के बारे में बात करूँ तो ये इतना चीप ब्रांड भी नहीं है, लाइक जैसे मेबेलिन है, या इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, बीच में आता है, तो यू कैन ट्राई देयर प्रोडक्ट बिकॉज इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड KBB ने ऐसा भी नहीं था कि बहुत जल्दबाजी में प्रोडक्ट लॉन्च किए, लाइक ओके ब्रांड लॉन्च कर रहे थे तो सारे प्रोडक्ट भी एक साथ लॉन्च कर रहे थे, नहीं, उन्होंने धीरे धीरे इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। एंड आई रियली लाइक कि जिस हिसाब से ये सारे इंडियन स्किन टोन को सूट करते हैं, इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग है। सो या दैट्स इट। और इफ यू रियली वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी मेकअप, सो मुझे लगता है आपको KBeauty में इन्वेस्ट करना चाहिए, रेदर देन बहुत लाइक होता है ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लेने से अच्छा यू कैन ट्राई दीज प्रोडक्ट्स। तो आप कमेंट में जरूर बताना, अगर आप भी चाहते हो कि मैं कोई और ब्रांड है जिसको ट्राई करूँ और उसका रिव्यू करूँ, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो ऑफ दैट ब्रांड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू एंजॉयड इट, एंड प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन एंजॉय, बाय बाय, टेक केयर।